गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम एंड हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन सो टाइप्स ऑफ मोशन एज योर शोन इन द बुक और नॉट इन द बुक आई विल टोल्ड यू अनदर थिंग फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन इन रैक्टेरियर मोशन यू ऑब्जर्व द मोशन वहीकल मूवस इन अट स्ट्रेट रोड मार्च पास्ट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है ना यानी एक ही ट्रैक पर चलना सिंगल ट्रैक पर चलना तो दीज आर द वन ऑफ द टाइप ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन है ना परेड uh, मार्च इसका जो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रैक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं रैक्टीलिनियर मोशन द मोशन ऑफ एन पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ़ द इलेक्ट्रिक फैन आप सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फैन से हम पॉइंट मार्क करते हैं एंड और ये डायरेक्शन वाला जो ये जो इक्विपमेंट है ये दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन क्योंकि वो, वो रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस के थ्रू है न इलेक्ट्रिक फैन और दूसरा एग्ज़ाम्पल है क्लाक क्लाक ऑफ सेकेंड हैंड आप इजीली देख सकते हो क्योंकि बहुत क्विकली वो मूव करती है ओके okay? और फैन तो एग्जाम्पल है ही है इसका फैन रोटेट एंड सो डू देंड्स ऑफ द क्लॉक हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑल्सो मूव इन अ सर्कुलर मोशन ओके वायर द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम दे रोटेट यानी जहाँ से वो रोटेट हो रहा है जैसे कि जो बीच वाला पार्ट है जो रोटेट कर रहा है और ब्लेड का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है सेम रहता है नाउ इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स मोशन आफ्टर सम टाइम यानी एक ऐसा मोशन जो ऑब्जेक्ट अपने आप में रिपीट करे उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन लाइक सिंपल पेंडुलम आप उसको आ, ऐसे समझ सकते हैं कि क्लॉक है क्लॉक के नीचे जो आपको दिख रहा है ये एक टाइम में लेफ्ट में जाता है फिर राइट में जाता है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ Periodic motion means it repeats itself. The types of motion means back and forward. Yeah, left here, yeah? right. Likewise, guitar is also creates a periodic motion because the guitar is a musical instrument, and on when we stretch the wires, it produces vibration backward and forward. So it also produces a periodic motion. Now. Bell. Bell is also an example of periodic motion because it moves left and right, means backward and forward. And like tabla, also the membrane creates a vibration when we beat, so it is also uh, the type of motion with what periodic motion. And the uh, swing uh, when we swing on uh, playground, this is a to and fro motion, means. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन सो दीज आर देश एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन ओके नाउ टिक इट इज अ वन एग्जाम्पल अगर हम फुटबॉल रोल कर रही है ग्राउंड में तो उस पर कितने मोशंस लग रहे हैं तो मैंने क्लास में बताया था कि फुटबॉल इट्स सेल्फ वो रोटेट कर रही है रिवॉल्व कर रही है और आगे भी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रैक्टिलियनर मोशन है प्लस रोटेशनल मोशन है कौन सा मोशन है रैक्टिलियनर मोशन और रोटेशनल मोशन सो मैनी मोशंस आर इन अवर डेली लाइफ लाइक जैसे हाउ फास्ट और स्लो मोशन द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्नेल का मूवमेंट बहुत uh, Uh, मतलब दे मूव्स वेरी स्लो इट मूव्स वेरी स्लो बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बटरफ्लाई का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है रिवर्स फ्लोइंग एन एरोप्लेन रिवर्स फ्लो करती है वो भी uh, देखने को मिलता है कि ये मूव मोशन में है एन एरोप्लेन फ्लाइंग मून गोइंग अराउंड द अर्थ दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशंस ब्लड फ्लोइंग इनसाइड योर आवर बॉडीज शोज द देर इज अ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस and what is motion the change of position of the body from one place to another is called motion okay so this is for all and thank you very much